आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। फतेहपुर जनपद के जहानाबाद पुलिस तथा एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अभियुक्त के पास से भारी मात्रा में असलहा और अधबने असलहे बरामद हुए हैं। असलहा बनाने में प्रयोग में आने वाले उपकरणों को भी पुलिस ने बरामद किया है। थाना जहानाबाद अध्यक्ष विनोद मिश्रा और एसओजी प्रभारी अनिरुद्ध कुमार को मुखबिर की सूचना और जानकारी मिली कि कस्बे के रिंद नदी के प्याली देवी किनारे मंदिर के समीप अवैध शस्त्र बनाने का कार्य चल रहा है, जिस पर पुलिस एसओजी टीम के द्वारा देर रात छापामार कार्रवाई करती है, जिस पर पुलिस ने अवैध शस्त्र का जखीरा बरामद किया। पुलिस को मौके से 2 तमंचे, 12 बोर के, 11 तमंचे, 315 बोर के और कारतूस के साथ साथ अधबने शस्त्र भी बरामद हुए। साथ ही पुलिस ने शस्त्र बनाने के प्रयोग में आने वाले उपकरणों को भी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि जहानाबाद और एसओजी की टीम की संयुक्त कार्रवाई से जनपद के थाना हुसैनगंज क्षेत्र के संतोष पाल पुत्र सुंदर पाल उम्र 27 वर्ष ग्राम गढ़रियल की अंडार मंजरे जमरावा निवासी थाना जहानाबाद क्षेत्र के पाताली देवी मंदिर के निकट एक सुनसान स्थान पर अवैध शस्त्र बनाने का कार्य हो रहा है, जिस पर टीम बनाकर दबिश दी गई, जहां पर पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, साथ ही अधबने शस्त्र भी मिले हैं। गिरफ्तार युवक काफी अरसे से इस व्यवसाय में लिप्त थे, जिस पर उनके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 25,000 रुपए का नगद इनाम पुलिस टीम को भी दिया गया है। फतेहपुर से नरेश ओमर की रिपोर्ट। स्वाट टीम और जहानाबाद थाने की पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। जंगल से तमंचे की फैक्ट्री बनाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है और उसे 13 तमंचे बने हुए, इसमें पीतल के, लोहे के ढेर सारी नाल बरामद हुई हैं, उपकरण ढेर सारे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं और निश्चित तौर पे इन 13 तमंचों का उपयोग इस होने वाले नगर निकाय के चुनाव में कहीं न कहीं किया जाता, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया है और इनके मंसूबों को पानी फेरा है। निश्चित तौर पे ये इन असलहों का उपयोग अगल बगल के जनपदों में भी होता और मेरे द्वारा इस पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है और भी इस तरह से हम लोग खोजबीन कर रहे हैं कि अगर इस तरह से कहीं बात प्रकाश में आती है तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।